नमस्कार, मेरे YouTube चैनल माई लाइफ माई वे पर आपका आज फिर से स्वागत है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं धावक कहानी। धावक संजीव द्वारा रचित कहानी एक ऐसे सिद्धांतों पर चलने वाले व्यक्ति की कहानी है जो मरने के बाद जीत जाता है। यह एक ऐसी जीत थी जिसमें छल कपट से जीतने वाले उसे कभी हरा नहीं सकते थे। सबसे पहले हम कथाकार संजीव का परिचय जान लेते हैं। संजीव जी का जन्म 6 जुलाई 1947 को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर के बांगर कला गांव में हुआ था। इनकी शिक्षा दीक्षा पश्चिम बंगाल में ही हुई थी, जहां से इन्होंने रसायन शास्त्र में स्नातकोत्तर के समकक्ष डिग्री हासिल की। सेंट्रल ग्रोथ वर्क्स कुलटी में वर्षों रसायनज्ञ के रूप में काम करने के बाद फिलहाल स्वतंत्र लेखन के कार्य से ये जुड़े हुए हैं। समकालीन हिंदी कथा साहित्य के प्रथम पंक्ति के ये हस्ताक्षर हैं। वे अपने शोधपरक लेखन और वर्जित विषयों के अवगाहन के लिए विख्यात हैं। उनके 8 उपन्यास और शताधिक कहानियाँ प्रकाशित हो चुकी हैं। इसके अतिरिक्त विविध विषयों और विविध विद्याओं में वे लगातार लेखन करते रहे हैं। कुछ कृतियों के बारे में हम देख लेते हैं। इनकी कुछ कृतियाँ जो है उनमें है 30 साल का सफ़रनामा, आप यहाँ हैं, भूमिका और अन्य कहानियाँ, दुनिया की सबसे हसीन औरत, प्रेत मुक्ति, प्रेरणा स्रोत और अन्य कहानियाँ, ब्लैक होल, खोज, 10 कहानियाँ, गति का पहला सिद्धांत, गुफा का आदमी, आरोहण, किशनगढ़ के अहेरी, सर्कस, सावधान नीचे आग है, धार, पांव तले की धूप, जंगल जहां शुरू होता है, सूत्रधार, यह उपन्यास है, रानी की सराय, किशोर उपन्यास है, डायन और अन्य कहानियां, ये बाल साहित्य हैं। कुछ पुरस्कार जो इन्हें मिले हैं उसे भी हम देख लेते हैं। प्रथम कथाक्रम सम्मान, अंतर्राष्ट्रीय इंदु शर्मा सम्मान, भिखारी ठाकुर सम्मान, पहल सम्मान, उन्हें श्रीलाल शुक्ल स्मृति सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। अब हम देखते हैं कहानी को। तो इस कहानी धावक के प्रमुख पात्र भवलदा है और इनके इर्द गिर्द कहानी जैसे चक्कर लगाती रहती है। कहानी में यह पात्र जहाँ नहीं रहता वह जगह इनकी रिक्तता को दर्शाता है। भवलदा एक खिलाड़ी हैं जो जुझारू हैं और जो हार नहीं मानता, जो अपनी निरंतरता को बनाए रखता है। वह जीता या हारा ये उसके लिए महत्व नहीं रखता, महत्व यह रखता है कि उसने क्या किया, कितनी कोशिश की, कहाँ तक प्रयास किया। भंवलदा के नाम में दा का जुड़ जाना उनकी प्रसिद्धि को और उनकी मौजूदगी को ही दर्शाता है। ऐसा कहाँ होता है और कितना होता है कि कोई व्यक्ति अपना जीवन दूसरों के लिए, अपने कर्तव्य के लिए समर्पित कर दे, और जो यह कर रहा है ऐसा भी नहीं है कि वह मूर्ख है या उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है। कहानी को देखें तो यह एक स्पोर्ट्समैन के स्पिरिट को दर्शाता है, जो हार आखिरी सांस तक नहीं मानता, और जो हार मान जाए वह सच्चा स्पोर्ट्समैन नहीं हो सकता। भवलदा जब भी दौड़ते हैं लेखक उनसे खींच जाता है, क्योंकि भवलदा का अपनी पारी को पूरा करने की जो स्पिरिट है वह ट्रैक को काफ़ी समय तक खाली नहीं होने देती कि दूसरे दौड़ के लिए उसे तैयार किया जा सके। सभी खिलाड़ी दौड़ पूरी कर चुके होते हैं, उन्हें पुरस्कार भी मिल चुका होता है, पर ये तब तक नहीं रुकते जब तक उस दौड़ को अपनी गति से पूरा ना कर लें। एक स्पोर्ट्समैन अपने कर्तव्य को कभी अधूरा नहीं छोड़ सकता, चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, किसी भी तरह का कष्ट उससे डिगा नहीं सकता। जीवन भर मूर्ख बने रहें और माँ के प्रति, बहन के प्रति,
कर्तव्य को निभाते रहें, हर जगह अपनी मौजूदगी को दर्ज कराते रहें और फिर एक खालीपन छोड़ गए। परंतु अपने खत में उन्होंने वो सारी बातें लिख दी जो जीते जी कभी नहीं कहा। तो आइए कुछ लाइनें हम पढ़ते हैं उनके खत की और उसे समझने की कोशिश करते हैं। भंवलदा ने लिखा था, भैया दौड़ में जीत उसी की होती है जो सबसे आगे निकल जाता है, चाहे लंगी मारकर ही या गलत ट्रैक हथिया कर ही। पुरस्कार पाने का जुनून ही सवार रहता है उस समय, मगर मुझे खुशी और संतोष है कि मैंने लंगी नहीं मारी, गलत ट्रैक नहीं पकड़ी। पीठ पर तुम्हारा छोड़ा हुआ बोझ था परिवार का, उसे लेकर पूरी दौड़ लगानी थी। वैसे जानता हूँ ये बातें अवांतर हैं, इनका हिसाब किताब नहीं हुआ करता दौड़ के इतिहास में। तुम्हारे जैसे तेज तर्रार लोग हम जैसों को ट्रैकों पर रेंगते हुए देखकर गुस्से से भर जाते हैं, मगर हम जैसों का क्या कसूर। तुम्हें तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि तुम जैसे अव्वल आने वालों की विजय लिप्सा हमारे पिछड़ने से तृप्त हो सकती है। यही क्रूर तृप्ति धीरे धीरे तुम्हें उस दल में लिए चली जाती है जो यह दौड़ दौड़ता नहीं, खेल खेलता नहीं, बस हमारी प्रतिस्पर्धात्मक दौड़ का रस लेता है। वह चुपचाप देखता आया है सांड युद्ध को, तप्त चटखारे ले लेकर देखता आया है ग्लैडिएटर्स के युद्ध को। आज वही दल म्यूजिकल चेयर जैसे खेल रचाता है और इसके नए नए संस्कार करता है। पिछले कई सालों से मैं भी रस ले लेकर इस वर्ग की मानसिकता को देखता रहा हूँ जो हर जगह हर समय हम जैसों में एक प्रतिस्पर्धामूलक होड़ उत्पन्न करके एक दूसरे में विभेद और दूरी पैदा करके हमारी आपसी छीना झपटी रचा कर तृप्त होती है। लेकिन जिस दिन उन्हें यह छद्म मालूम हो जाएगा उस दिन यह अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बंद हो जाएगी और तुम्हारे छोटे से दल की तथाकथित रूहें पनाह मांगती फिरेंगी। कह नहीं सकता तुम आओगे या नहीं, माँ की मौत के समय विदेश में थे, यदि आए भी तो शायद इस छोटे से मकान पर हक मत जतलाना। हम दोनों टग ऑफ वार के दोनों ओर शक्ति आजमाइश करते रहे हैं। निश्चय ही मेरी संबद्धता अपने दल के साथ है जो तुम जैसों के अभिजात को मिट्टी में पलोटता हुआ घसीट ले जाने को जी जान से जुटा हुआ है। मैं भी तुम्हारी तरह होता तो तुम्हारे जैसा दीर्घायु होता, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 8 साल ज़्यादा जी लोगे, यही ना। जिस जुनून में जिया उसकी तासीर का एक क्षण भी तुम्हारे तमाम तामझाम के सालों से उम्दा है, हो सके तो कभी चख कर देखना। और अंत में हम इसे पढ़ने के बाद यह कह सकते हैं कि सही मायनों में भंवलदा एक खिलाड़ी रहे। उन्होंने अपने जीवन को जिया तो एक खिलाड़ी की स्पिरिट से, और जब वो मर गए तो भी वो स्पिरिट उनकी कम नहीं हुई। उन्होंने अपने जीवन पर ही जीत हासिल कर ली और विजयी हो गए। उन्होंने अपने जीवन पर ही जीत हासिल कर ली और विजयी हो गए। जीवन को उन्होंने सही तरीके से जिया, अपने हिसाब से जिया। ऐसे लोग कभी हारते नहीं, ऐसे स्पोर्ट्समैन कभी हार नहीं सकते। इसलिए भंवलदा नहीं रहकर भी अमर हो गए। इसके साथ ही ये कहानी ख़त्म होती है। मेरा यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। कुछ और कहानियों के साथ हम मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।